गौतम जी से भी मेरा आग्रह है कि बुके और पार्टी का पटका पहना के उनका पार्टी में स्वागत करें। हमारे मध्य में उपस्थित आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा और छत्रप परमादरणीय ज्ञानी जेल सिंह जी के पौत्र इंद्रजीत सिंह का हम स्वागत करते हैं और खासकर पंजाब के अंदर कि वहां पर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, वहां जिस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने वालों को सजा देने का लक्ष्य रखकर लोग सरकार में आए थे, लेकिन ऐसा ना करकर आज उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ा है, क्योंकि 84 के दंगों को अगर कोई सजा दिलाने वाला है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और जिसने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया है उनको भी सजा दिलाने के लिए संकल्पित भी हैं और वहां की जनता भी आशावान है। तो मैं अपने गुरु विश्वकर्मा भगवान जी को प्रणाम करता हूं। और उसके बाद मेरे साथी बैठे हैं जो पंजाब से आए हैं, दिल्ली से भी जितने मेरे पंजाबी भाई हैं, वो मेरी फतेह कबूल करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। आज बहुत टाइम के बाद जो मेरे दादाजी यानी जैल सिंह जी थे, उनकी मनोकामना आज पूरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ सलूक किया, उनका दिल दुखा, जबकि उनकी जितनी वफादारी थी उसका सिला क्या दिया, ये आप सब लोग जानते हैं। और जब मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि मैं वही इंद्रजीत सिंह बब्बू हूं जो फिल्मों में चला गया था, उस टाइम भी काफी पेपरों में आया था, तो मुझे जब भी मैं अपना कैरियर बना ही रहा था कि उन्होंने मुझे यहां पे बुलाया राजनीति में लाने के लिए, और स्पेशली उन्होंने उस टाइम पे जब वो राष्ट्रपति से हट गए थे तो फोर सर्कल रोड में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी से फोन करके उनसे मिलने के लिए कहा, तो जाके मिल के आ, उनसे आशीर्वाद लेके आ, अडवाणी जी से आशीर्वाद दिलवाया मुझे। और आपको याद होगा, कोई प्रेस वाले भाई मेरे पुराने, अगर जब मदन लाल खुराना जी यहाँ पे दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर बने थे, तब हमने बहुत रैलियां की, मैंने बीजेपी तब ज्वाइन नहीं की थी, उनकी पर ज्ञानी जी की एक तमन्ना थी कि इसमें पार्टी में ना जाकर मैं बीजेपी में जाऊं। सरदार इंद्रजीत सिंह जी, आपका आज विश्व भर में सबसे बड़े राजनीतिक दल में ही नहीं पर हमारी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मनु, जदो जानकारी मिली कि तुसी साडे विच शामिल हो रहे हो, मैं तुहानू कहा मनु बहुत ही खुशी हुई, दिलों खुशी हुई। इसलिए उदे कई कारण ने, एक ते तुहाडे नाल मेरा रिश्ता, मैं जदों सुना किन्ना पुराना हैगा, मेरी प्रिविलेज सी कि जदों ज्ञानी जी पहले गृह मंत्री सीगे, उदे बाद राष्ट्रपति बने, उस वक्त सानू थोड़ा जा उन्हां दे नाल कम करन दा मौका मिलिया। सरदार इंद्रजीत सिंह बिंद्रा ते असीं उन्हां दे नाल हुंदे सीगे, पर तुसी भारतीय जनता पार्टी शामिल होयो, मैं समझना जेड़ी साडे सामने अज कल चैलेंजेस हैगे पंजाब विच भी बाकी जगह, तुसी जो समाज सेवा कीती है कई एरियाज विच, उदे नालों मनु लगता है कि तुहाडा साडे नाल जुड़ने सानू भी स्ट्रेंथ मिलेगी, ते तुहाडा जेड़ी तुहाडी समाज सेवा उदे च असी भी शामिल होके उन्हों अगे वधाउण दी कोशिश करांगे। ते मनु पक्का विश्वास है कि यह
तुहाडे शामिल होने नाल कई जिहड़ियां प्रधानमंत्री जी दियां उनकी योजनाएं हैं जो पंजाब में पंजाब सरकार ने नहीं लागू की हैं, मैं उनको गिनवा सकता हूं आपको।